जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों ये हमारी CSS बिगनर टू एडवांस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ CSS के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम CSS क्या है, CSS को हम क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या है, किस तरह से CSS को हम इम्प्लीमेंट करेंगे HTML में, HTML टैग में, क्या रोल प्ले करती है CSS HTML डॉक्यूमेंट में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। A to Z जानकारी दूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। व्हाट इज CSS, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस वीडियो में A to Z इंट्रोडक्शन ऑफ CSS की जानकारी दूंगा, इसलिए मैंने इसमें फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो व्हाट इज CSS, CSS दोस्तों CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का जो पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट या कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों जो हमारा HTML के डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह से हमारे बॉडी में एक स्केलेटन होता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है, तो जब भी हम वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो HTML वही हड्डियों का ढांचा है, जिसमें अगर हमें खूबसूरती लानी है, अगर हमें उसको सजाना है, उसको डेकोरेट करना है, तो हम उसमें CSS का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं। तो CSS क्या है, एक स्टाइल शीट प्रोवाइड करता है। ये एक स्टाइलिंग की लैंग्वेज है, यानी स्टाइलिंग डिफाइन करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, जिसको डेवलप्ड करने का श्रेय दिया जाता है। CSS वाज इन्वेंटेड बाई हॉकिन विमली ऑन 10th October 1994 में जो है इसको बनाया गया था, इसको डेवलप्ड किया हैकॉन वॉम ली ने, जिसको आज वेब थ्री स्कूल या W3 स्कूल जो है एक ग्रुप है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप है, वो इसको मेंटेन करने का काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों व्हाई वी लर्न CSS, हमें CSS क्यों पढ़नी चाहिए और CSS पढ़ने से हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार हमें CSS क्यों पढ़ने चाहिए और CSS को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी व्हाई वी लर्न CSS। नंबर वन जो इसकी विशेषता है या पहला एडवांटेज है, स्टाइलिंग द HTML टैग्स। अगर हमें अपने HTML टैग को काफ़ी खूबसूरत बनाना है, उनको डेकोरेशन करना है, उनका डेकोरेट करके दिखाना है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, तो हमें CSS की बहुत ही आवश्यकता होगी। यानी ये वो टॉनिक का काम करता है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। इसके बाद दूसरा जो इसका एडवांटेज है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है भाई, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हमारी वेबसाइट किसी डिवाइस से फ्रेंडली नहीं है, इस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को हम आप डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट भी कह सकते हैं। डिवाइस फ्रेंडली मतलब कि जिस जैसी आपकी डिवाइस की साइज होगी, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट अगर ढल पा रही है, तो उसे कहा जाता है डिवाइस फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो CSS में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे स्क्रीन मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, तो इनके थ्रू आप बहुत ही इजीली तरीके से वेबसाइट के जो पेज है, वेब पेज को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तीसरा जो इसका एडवांटेज है दोस्तों, एनिमेशन ऑन वेब पेज। अगर आप वेब पेज में एनिमेशन ला सकते हैं, तो दोस्तों एनिमेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कह सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप कोई खाना बनाया, ठीक है, और उसको आप थोड़ा सा हल्का सा धनिया डाल के थोड़ा सा उसको सजा दो, तो काफ़ी अच्छा दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ठीक वैसे ही काम करता हमारे एनिमेशन। मान लीजिए आपने कोई बटन बनाया और उस बटन पर होवर इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, होवर में कुछ एनिमेट कर रहे हैं, तो जैसे ही यूजर उस माउस से जो है माउस से उस बटन में होवर करेगा, तो काफ़ी बटन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी और कुछ उसमें एनिमेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि आपके वेब पेज में जो है जान आ जाएगी, यानी उसकी खूबसूरती में निखार आ जाएगा। तो चौथा इसका एडवांटेज है दोस्तों, 2D and 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, यानी HTML एलिमेंट। अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं अपने HTML एलिमेंट को 3D में, अगर आप 2D 3D रोटेशन चाहते हैं कि अगर वो 90 डिग्री में, 98 डिग्री में, 180 डिग्री में जो है रोटेट हो जाए, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ CSS।
कि जो पांचवी इसकी विशेषता है, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। तो जो वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये जो है फास्ट बना देती है अगर हम CSS का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट कैसे बना रही है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आपके पास HTML का एक पेज है, उसके बाद एक पेज और है, एक पेज और है, एक पेज और है, इसी तरह आपके पास अगर हजारों HTML के वेब पेज हैं और उनमें अगर आप एक साथ स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक CSS फाइल को यूज करें, एक CSS फाइल क्रिएट करें और सभी HTML वेब पेज में उसको लिंक कर दें और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप एक ही CSS फाइल के थ्रू हजारों वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देती है अगर आप CSS का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास इस सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायरमेंट है अगर हम CSS की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हम CSS को वाकई में सीखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट जैसे कि HTML में भी कुछ रिक्वायरमेंट थे, वैसे ही हमारे CSS को सीखने में भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है HTML एडिटर। तो एडिटर क्या होता है? तो एडिटर एक नोटबुक है जिसमें हम अपने CSS के कोड को लिखेंगे। दूसरा जो है वेब ब्राउजर या ब्राउजर। तो दोस्तों ब्राउजर होता है जो हमें CSS के कोड जो हमने लिखा है CSS को मतलब किसी टेक्स्ट एडिटर में CSS के कोड को जो हमने लिखेंगे उनकी प्रॉपर्टी का जो यूज करेंगे उन प्रॉपर्टी का इफ़ेक्ट क्या होता है उसको दिखाने का काम कौन करता है? वेब ब्राउजर। तो ये क्या काम करेगा? ये हमारी उन प्रॉपर्टी को शो करने का काम करता है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि मान लीजिए एक टीचर हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ लिखने के लिए कहा, कुछ होमवर्क करने के लिए कहा, तो आप घर जाएंगे और होमवर्क करेंगे। उसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में यानी नेक्स्ट डे जब भी आप स्कूल जाएंगे तो आपने जो काम किया उसको टीचर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और उनको दिखाएंगे अपनी कॉपी। तो टीचर उन कॉपी को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर उनको कुछ कमी रहेगी तो वो आपको बताएंगे। ठीक उसी प्रकार ब्राउजर काम करता है जो CSS के कोड को पूरा पढ़ता है और उसमें जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइंड की है अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे शो करने का काम करता है ब्राउजर। तो चलिए आप थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से HTML एडिटर हैं और कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं। तो सबसे पहले HTML एडिटर दोस्तों, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है नोटपैड। ये बहुत ही कह सकते हैं सब बेसिक एडिटर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो आपको विंडोज में तो इनबिल्ट ही आता है। तो नोटपैड में कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड का ही अपडेटेड वर्जन नोटपैड प्लस प्लस है जिसमें जो कलर कोडिंग होती है वो कलरफुल होती है। जो भी इसका कोड होगा वो कलर में आ जाएगा, सिंटैक्स कलरफुल हो जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो कि कह सकते हैं आप टेक्स्ट एडिटर की दुनिया में जो रेवोल्यूशन लाने का काम किया है इस VS कोड ने, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और वही इसको हैंडल कर रही है। ये बहुत ही अच्छा एडिटर है जिसमें आप बहुत सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस की जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी एक एग्जांपल है, एक ऑप्शनल है आपके टेक्स्ट एडिटर में शामिल करने के लिए। इसके बाद वेब ब्राउजर की लिस्ट देख लीजिए, तो सबसे पहले गूगल क्रोम, जो गूगल एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जो विश्वव्यापी कंपनी है, उसका एक ब्राउजर है क्रोम। तो ये हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी तो कि आप जो है गूगल क्रोम का यूज करें। गूगल क्रोम का इसलिए यूज करें क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये अपने प्रोडक्ट को डे टू डे अपडेट रखती है। तो जो भी नई CSS की प्रॉपर्टी आएंगी तो वो आपको गूगल क्रोम में जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए आप गूगल क्रोम का जरूर यूज करिए। इसके बाद दूसरा जो इसका ऑप्शन है वेब ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला कंपनी का फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ब्राउजर है। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसी का ही एक और आता है इंटरनेट एच, यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही एच नाम से एक ब्राउजर आता है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ओपेरा मिनी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको CSS इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी आपको मिली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ कमी रह गई हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जरूर से ज़रूर जवाब दूंगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।